इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं शुभम की मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, आरजीएल राधा मार्केटिंग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरा वार्ड मेरी बात। मैं आप लोगों को सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में बता दूं, हरिभूमि और INH के माध्यम से हम ये कार्यक्रम करते हैं। शहर के तमाम वार्डों में जाने का हमारा उद्देश्य है और ये उद्देश्य ये है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में पहुँचे, जनता के बीच में पहुँचे और उन समस्याओं को सुने आप लोगों की, जो आम तौर पर आप लोग जिससे रोज रूबरू होते हैं, जिसका रोज सामना करते हैं और आमतौर पर जो समस्याएं प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती या जिनका निराकरण नहीं हो पाता है। कोशिश हम यही करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरा वार्ड मेरी बात के माध्यम से, कि हम आम आदमी की, आम नागरिक की समस्याओं को सुने, उनके जनप्रतिनिधियों से यहाँ पर जवाब लें और जिनका जवाब यहाँ पर, जिन समस्याओं का निराकरण यहाँ पर संभव नहीं है, उन समस्याओं को हम अपने मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र हमारा हरिभूमि, INH न्यूज़ चैनल और वेब मीडिया हरिभूमि के माध्यम से हम प्रशासन में बैठे उन लोगों तक आपकी समस्याओं को पहुंचाएं जहां पर इसका निराकरण संभव हो। तो ये आप लोगों का मंच है, आप ही लोगों के लिए हम यहां पे मौजूद हैं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग खुल के अपनी बातें रखें, सभी समस्याएं जिनसे आप रोज़ दो चार होते हैं, जिनका रोज़ आप सामना करते हैं, उन समस्याओं को इस मंच पर रखें, आपके जनप्रतिनिधि उनका जवाब देंगे। मैं शैलेश पांडे आप लोगों के साथ में और साथ में मेरे सहयोगी आप लोगों के माइक लेकर रहेंगे। जब भी आप लोगों को अगर कोई समस्या उठानी हो तो आप लोग हाथ ऊंचा करके मुझे बुला लेंगे और अनुरोध सबसे यही करूंगा कि बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के केवल और केवल इस मंच में समस्याएं रखें आप लोग अपनी और उनका निराकरण हम तीनों माध्यम से संभव हो, जो भी यथासंभव हो हम निराकरण का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। हमारे साथ में यहाँ की पार्षद है, आप लोगों की जनप्रतिनिधि सरिता वर्मा जी हैं और साथ में हमारे साथ ममता राय जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं। इन दोनों से हम बातचीत शुरुआत करेंगे, उसके बाद आप लोगों की समस्याएं एक एक करके, आप लोग जो भी इस वार्ड की समस्याएं हैं जो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे इस मंच में उठानी चाहिए और जिनका निराकरण काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ है, उन समस्याओं को एक एक करके आप लोग रख सकते हैं। सरिता जी, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जिन वार्ड के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ, जिन समस्याओं को लेकर, जिन मांगों को लेकर आपको वोट दिया, आपको अपना पार्षद चुना, आपको लगता है कि इतने पिछले जो ढाई तीन साल का जो कार्यकाल है उन समस्याओं के निराकरण में, उन समस्याओं को दूर करने में आप सफल हो पाई? क्या क्या ऐसे काम किए आपने जिससे लगता है कि आपको जो है उपलब्धि मानी जाए? बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हरिभूमि का यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और आम जनता से और जनप्रतिनिधियों से एक दूसरे से रूबरू होने का हमको जो सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आपके इस कार्यक्रम को, मेरी वार्ड मेरी बात को बहुत बधाई देती हूँ। आम जनता की जो भी समस्याएं मेरे पास आती है और जिस आशा और उम्मीद से उन्होंने निश्चित रूप से मेरे को आज तीसरी बार पार्षद बनाए हैं, तो मैं पूरा प्रयास करती हूं कि उन लोगों का समस्या हल हो। और कुछ ऐसी समस्या है जो निर्माण कार्यों से संबंधित है, उसको छोड़, जैसे राशन कार्ड है, निराश्रित पेंशन है, आधार कार्ड है और गैस उज्ज्वला और ऐसे मतलब मजदूर कार्ड है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इन सबको मैं निपटाने का पूरा प्रयास करती हूँ। और वो आम जनता स्वतः पटल पे आके बता देगी कि मेरी कमियाँ क्या है और मैं किस कार्य में सफल हुई हूँ और किस कार्य में मैं पीछे हुई हूँ। ये तो आम जनता, मेरे वरिष्ठ जो यहाँ पर बैठे हैं, उन्हीं लोग मेरे को बताएंगे। ये सरिता जी कहने कि उन्होंने काफ़ी जो है वो काम यहाँ पे किए हैं। ममता जी, आप बताएं, क्या वाकई में इस वार्ड में काम हुए हैं या फिर समस्याएं अभी भी हैं? मैं हरिभूमि एवं INH का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूं कि वे हमारे वार्ड में आए हैं और हमारे समस्याओं का निराकरण के लिए जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन को वो आदेशित या समाचार के माध्यम से उन्हें जानकारी देंगी। मैं, ये सबसे पुराना वार्ड है, महामाया मंदिर वार्ड। इसमें दो ऐतिहासिक मंदिर है, एक दूधाधारी मंदिर और दूसरा महामाया मंदिर। परंतु जिस हिसाब से हर वार्ड का विकास हुआ है, इस वार्ड का विकास नहीं हुआ है। आज हमारे वार्ड में पशुओं का बहुत ही परेशानी है, रास्ते में भैंसे चलती रहती हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है। दूसरा, कुत्तों का यहाँ, आवारा कुत्तों का बहुत जमावाड़ा हो गया है, जिससे कि बच्चों को काट रहे हैं। पानी की समस्या, नदी के जो पानी आता है, सरकारी पानी आता है, वो पानी घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। नाली की सफाई, मैं आपके समाचार माध्यम से पूछना चाहती हूं कि यहाँ सफाई कर्मचारी कितने हैं?
क्योंकि मुझे 10-15 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी नहीं दिखते वार्ड में। दूसरा, नाली का निर्माण नहीं हुआ है, सड़क जर्जर अवस्था में है, और इस वार्ड का दुर्भाग्य ये 3 वार्डों से घिरा हुआ है, क्योंकि इस वार्ड के पार्षद को कहेंगे तो वो बोलते हैं कि उस वार्ड का पार्षद, क्योंकि हमारे में जितेंद्र अग्रवाल जी भी हैं, मन्नू यादव जी भी हैं और सरिता भाभी जी भी हैं। तो मैं सभी पार्षदों से निवेदन करती हूँ कि हमारे वार्ड को विकास की ओर बढ़ाए और विकास करे, ताकि हमारे जो जनता हैं, नागरिक हैं, वो सुचारू रूप से और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और आप लोगों तो सारी बातें जान ही रहे हैं, वार्ड में घूम चुके हैं। तो ममता राय जी का कहना है कि वार्ड में समस्याओं का अंबार है, जिस तरह से वो बता रही हैं कि एक तो सीमा विवाद बता रही हैं कि पार्षदों के बीच में जो सीमा विवाद है कि कौन किसके वार्ड में किसका क्षेत्र आता है, इसको लेकर साथ ही बहुत सारी समस्याएं होती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि जनता का मंच है, आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद है वार्ड के लोग, मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बात रखें कि वार्ड में वाकई में किस तरह की चीज़ें हैं, आरोप सुझाव शिकायत सबका यहाँ पे खुले दिल से आप लोग रखें इस मंच में। जी, मेरा नाम ममता नायक है। मैं अपने वार्ड के सरिता मैडम पार्षद से बहुत संतुष्टि हुई, और वो पहले से के अपेक्षा इतना ज़्यादा वार्ड में विकास कर रही है, बहुत ज़्यादा विकास है। इनके बनने के बाद अभी हमारे वार्ड में, हमारे ही एरिया में 1,20,00,000 का रोड, कंक्रीटी रोड का निर्माण हुआ, और वो डामरी रोड का निर्माण हुआ 1,00,00,000 का, और जितने इस क्षेत्र में जो नया नया कॉलोनियाँ बसी हुई है वहाँ पूरे नाले की व्यवस्था इनके द्वारा ही किया गया। और ये जो आवारा कुत्ता और इसके लिए बोलते हैं, तो पार्षद कितनी जिम्मेदार रहेगी? पार्षद तो करवाती है, निगम से भी आना चाहिए ना, निगम से भी तो कुछ काम होना चाहिए। और मोड़ सरकार मोड़ द्वार वाले जो वो हुआ था, उसमें जितनी भी समस्याएं दिए थे आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। और वो पार्षद थी उस समय, पार्षद खुद गई थी और पूरा वो की थी, लेकिन अभी तक की कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। और दूसरी बात, हमारे वार्ड में कई कई बार हम लोग जाके यहाँ नगर निगम में, और यहाँ भी जाके कई समस्या के लिए पार्षद के साथ जाके भी, पार्षद हमारे साथ जूझे रहती है, तो भी पता नहीं उनके साथ क्यों मतभेद किया जाता है, ये भी समझ नहीं आता हमको। ये सब समस्या आपका कहना है कि पार्षद के साथ निगम प्रशासन जो है वो भेदभाव करता है, सहयोग नहीं करता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सहयोग करते हैं नहीं करते हैं, इसको आप मीडिया के माध्यम से अच्छी तरह से बता सकते हो, लेकिन पार्षद तो अभी तक जितना कर रही है अपने 2 साल के कार्यकाल में, उतना तो शायद, और 70 वार्ड में पार्षद है, मैं ये नहीं जानती कि उन लोग कितना करते हैं, लेकिन हमारी पार्षद जो की है उतना तो मैं और कहीं देखी नहीं हूँ। शुक्रिया। इनका साफ कहना है, आप बताएंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि जो निगम से ये लोग कई बार मांग करते हैं, आपका भी उन्होंने बताया कि सहयोग रहता है, लेकिन निगम से आपको सहयोग नहीं मिल पाता, कितनी सच्चाई इसमें? कुछ बातें ममता दीदी ने भी बोली कि वार्ड पुराना है परंतु विकास कार्य नहीं हो पाया, तो इसके संबंध में तो मैं पहले ही दीदी को बता दी थी, आपको बता दी थी, निर्माण कार्य सड़क रोड नाली का अभी वर्तमान में जहाँ निर्माण कार्य होता है उसका कारण ये है कि वहाँ से विकास निधि की पैसे आते हैं, अधोसंरचनामद आता है, परंतु अभी विगत 3 साल से सरकार ने हम लोगों को अधोसंरचनामद में 1 रुपये जारी नहीं किया, जिसके कारण हम लोग पिछली या पिछड़ी बस्ती में किसी भी प्रकार का कार्य हम लोग नहीं करवा पाए। दीदी की बातों को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ, क्योंकि उसमें काम करने के लिए हमको अभी महापौर निधि से 10,00,000 का जो मिला है उसमें मैं उस क्षेत्र को ले रही हूँ जहाँ पर मूल समस्याएं हैं, रोड है, नाली है, छोटे छोटे पुलिया जो टूटा है, उस समस्याओं को मैं चिन्हित करके वो दीदी मेरे को बता दे, आम जनता से भी आ जाए तो उसको मैं गंभीरता के आधार पर उसको मैं महापौर निधि और शासन से जो अधोसंरचना मद से हमको अभी मिला है 15,00,000 रुपये और 10,00,000, तो उसमें मैं कार्य करने का प्रयत्न करूंगी। दीदी बोली सफाई कर्मचारी, तो सफाई कर्मचारी जो है वो 35 है टारगेट में। दीदी स्वयं स्थान पे आ जाए और प्रतिदिन अपना देख ले कि कर्मचारी कितने आते हैं और कितने नहीं आते, तो उनकी छुट्टी किस लिए रहती है और उनको छुट्टी क्यों दिया जाता है। आप भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करती है, इसलिए आपकी बातों का मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ।
आप बिल्कुल आइए, ये तो पारदर्शिता पूर्ण कार्य है। हर जनता को अपनी अपनी, अगर मैं एक रुपए टैक्स दे रही हूँ तो मेरे एक रुपए का हिसाब किताब नगर निगम किस चीज़ में करती है, इसका अधिकार शासन ने आपको दिया है। और आजकल 1100 में निदान, हमारा उसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं रहता सर, केवल निदान का प्रश्न आता है और कर्मचारी आते हैं, अपनी निष्ठा और हाजिरी दिलाते हैं, उनका सुपरवाइजर और उनका रेवेन्यू स्वास्थ्य अधिकारी उनको वहीं जगह पे सफाई के लिए भेज देते हैं। तो शायद दीदी आप 1100 में कंप्लेन कीजिए, आपका निदान बिल्कुल होगा। और जो भी नाली है, देखो केवल जनप्रतिनिधि ही जागरूक हो ऐसा संभव नहीं है, यहाँ पर जनता जितनी जागरूक होती है वहाँ पर विकास उतना ही अधिक होता है, चाहे नाली हो, पानी हो, लाइट हो, सफाई हो। और ये मवेशियों का, ये भी बिल्कुल स्वीकारने लायक चीज़ है, क्योंकि मवेशियों के कारण बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है, क्योंकि ये बीच रोड में बैठते हैं। इसको मैं स्वीकारती हूँ, पर इसके लिए नगर निगम आवारा कुत्तों को, आपको बता दूँ सर, इनको हम लोग भिजवाते हैं, डाक केचर भिजवाते हैं, काऊ केचर भिजवाते हैं। अच्छी बात, गैया के लिए तो जुर्माना कर दिया जाता है, परंतु कुत्ते के लिए कोई जुर्माना नहीं है, जाते हैं ले जाते हैं और क्या उनका बध्याकरण करके फिर उसी स्थान में लाके छोड़ दिया जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये नगर निगम की समस्या है, शासन इसके लिए मापदंड तय करे कि हमको इन कुत्तों का क्या करना है। हम अच्छा गैया, तो गैया को बिल्कुल प्रतिदिन उठवाए और किस टाइम में उठवाए, जैसे आम जनता का समय पता चल जाए। बिल्कुल अभी 6:30 बजे ये लोग दूध दुहेंगे, उसके बाद गैया पूरी तरह से रोड पे रहेगी, तब तक सरकारी ऑफिस बंद, सरकारी कर्मचारी का काम बंद, तो कौन उठाएगा इस गैया को? हम तो खुद ही चाहते हैं, कौन नहीं चाहता अपने वार्ड में, कौन नहीं चाहता कि यहाँ पर दुर्घटना हो? तो हम लोग इसमें तत्पर लगे रहते हैं और हम आपके साथ हैं। शासन प्रशासन को आप बताइए, सुझाव बताइए, ताकि वो 5 बजे गाड़ी 6 बजे गाड़ी चलाए, ताकि सभी गैया को उठा के ले गए, और कुत्ते को जो ले जाते हैं तो उसका एक उनके लिए भी, जैसे शासन ने गैया के लिए गौठान खोला है, वैसे उनके लिए भी कोई बड़ा दीवार बना के कुत्तों के लिए भी कोई कुत्ते का गृह निर्माण कर दे, हम उनमें उनके लिए सहमति देंगे, पर हम क्या कर सकेंगे कि कुत्ता को नहीं उठाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है। और ये साथ शिकायत है सर, बोलिए, कि कैलाशपुरी से जो पटेल विद्या मंदिर में एक नया रोड का निर्माण हुआ है, उसमें स्ट्रीट लाइट नहीं है, और सारे धरना स्थल में जितनी गाड़ियां आती है वो गाड़ियां वहां पर लग जाती हैं, और वहां पर अवैध तरीके से गांजा और शराब का वहां सेवन किया जाता है, तो वहां की स्ट्रीट लाइटें पूरी बंद रहती है, वहां से महिलाओं का आना जाना नहीं हो पाता है। ममता जी, और उसके लिए हम लोग माननीय विधायक महोदय से और नगर निगम से बार बार गुहार लगाए, तो कुछ लाइटें सामने वाली जो है उसमें कुछ फॉल्ट था, उनको सुधार के उनको चालू किया गया है, परंतु जिस रोड की बात दीदी बोल रही है ममता राय जी, वास्तव में वो अंधेला है, मैं भी उनके साथ हूँ। वो स्वयं उस पार्टी की एक नेता है, रीडर है, वो जाके अपने मुख्यमंत्री को बोले और महापौर जी के पास जाके बैठ जाए, तो कौन कहता है कि वो कार्य नहीं होगा? नहीं नहीं ममता जी, मेरे ख्याल से ममता जी आप भी और हम दोनों जाके, ममता जी, स्ट्रीट लाइट आपके कार्य क्षेत्र में आता है, ये आपके कार्य क्षेत्र का मामला है, क्योंकि महाराजगंज सौंदर्यीकरण का मामला था, महाराजगंज सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी से होता है, तो स्मार्ट सिटी वाला कार्यक्रम जो भी है वो शासन का कार्यक्रम है, केंद्र स्टेट दोनों का। तो मेरा कहना, आपने प्रस्ताव दिया था वार्ड के विकास के लिए, पार्षद महोदय जी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, जिस दिन भी आप कहेंगे मैं जाने को तैयार हूँ, महापौर जी, मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलने को तैयार हूँ, और एजाज देबर जी महापौर से भी मिलके मैं इस काम के लिए करने के लिए तैयार हूँ। महापौर से भी मिलने तो आप लोगों का काम हो जाएगा, बहरहाल ये काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ममता जी बता रही है महिलाओं का अगर वहाँ पे जाना है, तो हमने भी देखा है वो एरिया जो है वो काफी जो है महत्वपूर्ण एरिया है वार्ड के हिसाब से, और कोई बिल्कुल नशा पान होता है, इसलिए हमको नशा पान ना हो इसके लिए और ज्यादा जरूरी है कि उस लाइट को हम सुधरवाए और लगा जी। और कोई दूधाधारी मंदिर में, इतना रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, यहाँ पर हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, यहाँ पर एक बाथरूम नहीं है महिलाओं को जाने के लिए, न पुरुषों को जाने के लिए, यहाँ पर जब आते हैं तो ये भवन ही एक सहारा मिलता है उनको। 25 से 30 साल है बीजेपी का राज चला है, पार्षद बना है, परंतु कई बार अपन बोल चुके हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सामने में गार्डन बना हुआ है, वो गार्डन को आप जाके देख लीजिए, अभी उसका इनोग्रेशन नहीं हुआ है, स्थिति देख लीजिए आप,
वहाँ पूरा दारू पीने का अड्डा बना हुआ है। अभी उनका एक इनोग्रेशन नहीं हुआ है, गार्डन उजड़ गया है। आजकल तो चौक चौराहा में भी छोटा जगह मिलने पर जिम वगैरह लगता है, इतने बड़े गार्डन में कोई भी नहीं लगा हुआ है। तालाब की स्थिति देख लीजिए, ये तालाब में करोड़ों खर्चा हो गया पर यहाँ पर तो पानी नहाने का नहीं, वहाँ पर तो गैया भी नहीं घुसती, इतनी गंदी तालाब है ये, जबकि रायपुर का सबसे बड़ा तालाब है ना। या पूरे इस वार्ड का पूरे नाली का पानी वहाँ जाता है, कई बार बोला गया इसको हटाए करके, उस बड़े नाले का पानी भी यहाँ आता है। और ये तालाब इतना पुराना तालाब जहाँ लोग नहाते थे, यहाँ पर पचरी गायब हो गया है नहाने का। ये समस्या यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। इस तालाब में या मतलब इस तालाब में यहाँ के आस पास के लोग नहाते थे, पूरी बंद हो गई है। पूरा झिल्ली और डिस्पोजल दारू की बाटल से पटी हुई तालाब है ये, और करोड़ों खर्चा हुआ है। खर्चा होने के बाद खर्चा हुआ है और वो पूरा पेवर लाइट सब गायब एक महीने के अंतर्गत में, मतलब सरकार के पैसे का पूर्ण दुरुपयोग महामाया मंदिर वार्ड में हो रहा है। सरिता जी, तीन समस्याएं उन्होंने रखी है। पहली बात तो महाराज बंद तालाब की बात करी, उसके बाद दो हजार मठ है वहाँ पे भी मंदिर में उन्होंने प्रसादन की बात करी है, और तीसरा गार्डन की बात कर, तीन समस्याएं उन्होंने रखी है। हाँ, मुख्य है, राजेश भाई का कहना बहुत सत्य है, क्योंकि यह गार्डन बहुत ही पुराना गार्डन है और बहुत ही प्राचीन 1610 ईस्वी का बना हुआ अपना प्राचीन दूधाधारी मठ है। इनकी कल्पना तो हम लोग बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक महामाया मंदिर वगैरह इसमें करते हैं। मेरा कहना है कि ये भी तालाब में एसटीपी लगने का, जल शुद्धिकरण करने का पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है। जल शुद्धिकरण होगा तो शायद उसका सदुपयोग ज़्यादा अच्छे से होगा। दूसरी बात, नाला का बड़े नाला का पानी तो उसी में आ जाएगा, वो शुद्धिकरण में आ जाएगा। और रह गई बात गार्डन में, तो जिम के लिए अभी तो महापौर हमारे द्वार वाला में आप लोगों को समस्याएं मंगी गई थी, आप शायद जिम के बारे में देते तो शायद आज वो जिम लग गया होता। एक जनप्रतिनिधि से ज़्यादा जागरूक जनता होती है, आप अगले बार दे दीजिएगा और नहीं तो मेरे साथ चलिएगा। जिम का प्रस्ताव है गार्डन विभाग से, शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते इसलिए आपको चुना है उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि के लिए, शायद अभी तक ना मेरे को बात, आप उनकी आवाज बन के वहां तक नहीं पहुंचा। मेरे को भी अभी तक जिम के बारे में ऐसा कुछ बोले नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी अनभिज्ञता तक स्वयं जारी कर रही हूँ, बता रही हूँ। अब बिल्कुल मैं राजेश भाई ममता जी के साथ हमारे सब लोगों के साथ जाएंगे, और जिम जो है शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज है, अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसके साथ हैं उनके कामों को करने के लिए। एक और बड़ी मांग रखी है उन्होंने कि जो दुधाधारी मंदिर है वहाँ पे कम से कम कुछ व्यवस्था हो जाए प्रसाधन का, महिलाएं वहाँ पे आती हैं। और मेरे ख्याल से इसमें जो है वो प्रशासन ध्यान भी देगा, इतना पुराना मंदिर है और सबके आस्था का केंद्र है वो, अगर आप प्रस्ताव रखें। हाँ, एक टॉयलेट की व्यवस्था है ना, नहीं वो तो बहुत ही शरीर से जुड़ा हुआ निहित समस्या है, उसके लिए तो बिल्कुल मैं करूँगी और उनको बनवाने के लिए पूर्णतः मैं निवेदन करूंगी और पैसा लाऊंगी, बनवाऊंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी लोगों को मेरे ख्याल से वार्ड से कोई समस्या नहीं है, बहुत सुखी हैं आप लोग, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसा वार्ड होना चाहिए शहर में जहाँ किसी कोई समस्या ही ना हो। जी धन्यवाद INH और हरिभूमि का इस मंच से वार्ड के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जो अवसर प्रदान किया गया उसके लिए। सरिता वर्मा मैडम के कार्य से हम लोग लगभग काफ़ी समय से परिचित हैं, उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। मेरी समस्या से मैं अवगत पुनः कराना चाह रहा हूं कि वो जो पानी का जो कनेक्शन के लिए उसको अधूरा उसको करवाया जाए, ताकि प्रेशर हमको अच्छे से मिले पानी का, जो साइड से निकली है और हमारे इधर सामने जो जा कर के ब्लॉक हुआ उसको जोड़ने के लिए। तो आपने कहा था कि दूसरे वार्ड के पार्षद को उसमें आपत्ति है, ऐसा कुछ आपने कहा था, तो उसके बारे में है। दूसरा, चुनाव जब भी होते हैं कोई भी, तो उसमें वोटर लिस्ट में जो संशोधन हम लोगों का वार्ड में नाम इधर और वोट देने के लिए दूसरे मतदान केंद्र जाना पड़ता है, उसके बारे में था। ये दो बातें थी। साफ सफाई मैडम ने तो काफ़ी कुछ कहा, जो मैं कहना चाह रहा था काफ़ी उन्होंने, ममता राय जी ने कहा है, बाकी सब। पहली समस्या क्या रखी थी आपने जी? पहली समस्या क्या रखी थी? वो एक जो हमारे घर के पास से एक पाइपलाइन गया है, पाइपलाइन और सामने हमारे ब्लॉक हुआ है, तो उसको कनेक्ट कर देते तो चारों तरफ सर्कुलेशन प्रेशर बराबर रहता। पाइपलाइन फूटा हुआ है, ये उनका कहना है, मैडम को मालूम है जी। और दूसरा चुनाव से संबंधित है, वोटिंग के लिए दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है, दूसरे मतदान केंद्र में जाना पड़ता है महामाया वार्ड के पर।
अच्छा एक और है जो शायद इससे संबंधित नहीं लेकिन मैं आता हूँ, सबकी सबकी समस्या हो सकती है जी, बताइए। जो आजकल कार्ड बन रहा है हेल्थ का नहीं है, सीनियर सिटीजन बेनिफिट के लिए आजकल काफ़ी चल रहा है उसके बारे में, तो छत्तीसगढ़ का मैंने देखा कि उसमें ऑनलाइन नहीं है, बाकी जगह सब जगह है, यहाँ पे अभी भी मैनुअल है और उसके लिए नया रायपुर में जाना पड़ेगा इंद्रावती भवन, तो क्या ये संभव है कि कलेक्ट्रेट में उसके लिए किया जाए कुछ प्रावधान? सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन पा रहा है, उसके लिए आपको प्रयास करके इंद्रावती भवन से जो है वहाँ से स्वीकृति लेनी पड़ेगी सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए जी। और एक पाइपलाइन की दो समस्याएं उन्होंने बताई है। नहीं 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 ऐसा नहीं है जी जी, आप अगर वहाँ पे कहें तो वहाँ पे जो है जीएडी से एक प्रस्ताव आता है और उसके माध्यम से एक शिविर यहाँ पे लगाया जा सकता है। माननीय महोदय आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है और सीनियर सिटीजन कार्ड बहुत आवश्यक कार्ड है, जितना हमारे मूल निवास और हमारे शारीरिक स्वस्थता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसके लिए मैं निश्चित रूप से संबंधित विभाग से संपर्क कर शिविर लगवाऊंगी, तो उसमें मैं शिविर लगवा कर निराकरण करने का प्रयास करूंगी। दूसरा इंटर कनेक्शन जब हुआ था तो गड्ढे अभी तक पट नहीं पाए हैं, इसके लिए मैं कल ठेकेदार को बोल के उसको करवा दूंगी, क्योंकि उसमें साथ में ही रहता है, जो इंटर कनेक्शन करेगा वही उनको फिलिंग भी करेगा रिपेयरिंग भी करेगा, तो ये नहीं किया है तो वास्तव में उसको दंडित करके और उसको हम लोग एक दो दिन में करवा देंगे। तीसरी बात, हमारे वार्ड में बहुत सारा विकास कार्य हुआ है, माननीय विधायक महोदय के निवेदन पे हमारे वार्ड में 2 करोड़ का तो डामरीकरण का कार्य हुआ है, स्वयं ममता दीदी भी आपको उस चीज़ से अवगत कराई, ममता नायक ने भी अवगत कराई, छोटे छोटे नाले निर्माण, छोटे छोटे पुलिया निर्माण, और अभी महापौर हमारे द्वारवाला में भी जो भी समस्याएं आया तो छोटा छोटा वर्क करवा भी दिया गया है, लाइट पोल शिफ्टिंग की भी व्यवस्था करनी थी उनको भी प्रक्रिया में है, वो कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। सफाई व्यवस्था के लिए बताई, मेरा वार्ड वास्तव में बहुत बड़ा वार्ड है और एक छोटा वार्ड के अनुसार मेरे वार्ड को भी केवल 35 कर्मचारी दिया गया है, आप हमारे माध्यम से महापौर जी को बताइए कि कम से कम हमारे वार्ड में 50 से 55 सफाई कर्मचारी की नितांत आवश्यकता है, हमको प्रति सप्ताह नगर निगम का हेड गैंग मंगाना पड़ता है, क्योंकि मेरे वार्ड में 9 बड़ा नाला है जिसमें शहर का 20% गंदा पानी अकेले परशुराम नगर कुकरी पारा और प्रोफेसर कॉलोनी सेक्टर 1, 2 और 3 में जाता है, उनकी बहाव का कोई बड़ा नाला नहीं बन पाया है, क्योंकि जो 4 लेन और 6 लेन बना है उसमें कलवर्ट नाला जरूर है, परंतु मेरे को तो ऐसा लगता है कि उधर का पानी उल्टा इधर आता है। जब महापौर जी चुनाव जीते थे तो तत्कालीन उन्होंने 5-6 करोड़ की घोषणा करके गए थे, रथ यात्रा के दिन आए थे, तत्कालीन कमिश्नर सौरभ कुमार जी और महापौर एजाज ढेबर जी इतने इतने पानी में परशुराम नगर और सुमेरु मठ के पास आप लोगों के साथ दौरा किए थे, तो उन्होंने तत्काल घोषणा की थी कि बड़ा नाला को बनाकर मैं इस पानी को आउट करूंगा, क्योंकि ये बस्ती वाले के पानी गंदा पानी घरों में घुस रहा है, परंतु वो 6 करोड़ का काम कहाँ हुआ आज तक नहीं पता चला, क्योंकि मैं बार बार उसको लिखित में मंगी पर आज तक वो मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो भाटा गाँव वार्ड में उस पैसे का कार्य हो गया, जबकि वो वार्ड स्वतः अपने आप में कार्य करवाने की स्थिति में MIC का मेंबर है सतनाम भाई, वो स्वयं करवा सकते थे, परंतु हमारे पैसे को ले जाकर वहाँ काम क्यों करवाया ये हमको समझ से परे है, तो इन सब के कारण। और दूसरा, नगर निगम इतना स्वेच्छाचारिता से कार्य करती है, ये बड़ा नाला को जो ओवरफ्लो पानी जो परशुराम नगर में बिना पूछे बिना पार्षद को जानकारी में लाए आया JCB से गड्ढा खोद दिया, जब हमारे बहनों को पता चला ये लोग सामने आए रोके काम को तब जाके हमने स्टे लगाया और आज वो नया नाला बनने का एक नया प्रस्ताव बना, तो क्या सरिता वर्मा के साथ, भाई आप सरिता वर्मा को कुछ भी समझो पर उनके साथ तो जनता जुड़ी हुई है और आप तो नगर निगम के महापौर है, स्मार्ट सिटी के अधिकारी कोई भी कार्य करे तो वहाँ के जनप्रतिनिधि को जरूर विश्वास में लाना चाहिए, बिना विश्वास में लाए कार्य करेंगे तो एक गीता का काम हो गया ममता का काम नहीं हुआ, हबीब का काम हो गया राजेश का काम नहीं हुआ, ऐसी अधूरे अधूरे कार्य आपको दिखेंगे, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम
हमारे वार्ड में जो कार्य होता है उसमें पारदर्शिता भी रहे और नियमानुसार काम हो। नियमानुसार जब काम होगा तो सभी को उसमें फायदा भी मिलेगा। बिल्कुल, पार्षद ने कहा कि सड़क बना नाली बना, लेकिन सड़क और नाली जो बना वो बिना इंजीनियर के बना, जब कहीं ढाल नहीं, कहीं कुछ नहीं, पानी जाम हो जाता है, मच्छरे हो रही है, पानी का निकासी नहीं हो पाता है। और तो पुराना एक गार्डन 15 साल पहले उस गार्डन का ओपनिंग हुआ, परंतु आज वो भी जर्जर अवस्था में है। नाला पार में जो गार्डन है वो गार्डन भी यदि वहाँ बना दिया जाए, बुजुर्गों के लिए बैठने का जगह बन सकता है, बच्चों का खेलने का बन सकता है, परंतु हमारे वार्ड में इस प्रकार से कोई भी गार्डन में बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं नहीं है। मैं पार्षदा से निवेदन करूंगी कि इस ओर ध्यान दें। मैं राजेश यादव महामाई पारा, टेढ़ी मंदिर हनुमान जी के पास 2-3 ब्रेकर बन जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्षद जी थोड़ा से ध्यान दें। कहाँ पे बताएं? टेढ़ी मंदिर क्या हादसा आए दिन होते ही रहता है वहाँ पे? जी राजेश भाई, महापौर हमारे द्वार वाला कार्यक्रम में ये समस्या गई है और हमारे जोन के कमिश्नर 15 जगह पे स्पीड ब्रेकर बनाने का घोषणा भी किए हैं, महापौर के अनुसार बनाने की स्वीकृति लिए हैं। तो वो अभी बहुत सारी बातें हो गई है, मैं जगह चिन्हित करवा दी हूँ, अब इसको और तीव्रता से जाके उसको काम को चालू करवाएंगे। धन्यवाद आपको अवगत कराने के लिए। राजू जी आप कुछ? मैं राकेश दीवान भाई, ये छुटपुट समस्या चलती रहती है। मेन समस्या अपनी प्रोफेसर कॉलोनी में जो जल भराव का है, ये अपनी टोपोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए। और नाली जो है विपरीत दिशा से निकली है सभी प्रोफेसर कॉलोनी की, जबकि उनको जाना चाहिए जो मंदिर है ना अपना, क्या बोलते हैं, क्या मंदिर है मैडम? नहीं काली मंदिर नहीं है, शोक जो, अरे नहीं भाई, सुमेरु मठ तरफ ढाल है एक्चुअल में, लेकिन इनके इंजीनियर्स जितने हैं वो सब ढाल को कहाँ कर दिए, ये अपना जो पुराना नहर था ना जिससे पानी की सिंचाई होती थी प्रोफेसर कॉलोनी में, उस पर तो ये सारी समस्या उसके कारण होती है। मेन समस्या दो ठो थी कि जो पहले रिंग रोड बना था तो उसको तो बंद कर दिया था तो पानी उधर भरा होता था, लेकिन बाद में वो बन गया तो दो चीज़ें तो उसमें क्लियर हो गई। लेकिन अभी जो भी नाली हैं उनका अगर टोपोलॉजिकल सर्वे कराया जाए और उनको बंद नाली करके बनाया जाए तो कोई भी समस्या भविष्य में होगी। जल भराव की समस्या बता रहे हैं, तो सुमेरुमठ वाला जो रोड है उससे सारी जो ढलान है उधर दे दी गई है, इसलिए जो है सबसे बड़ी समस्या बता रहे हैं वार्ड की जो जल भराव। और दूसरा जो है, अपने प्रोफेसर कॉलोनी में इतने बिजली के खंभे हो गए जो बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक है, उन सबको एक बार सर्वे करके पुनः रीअरेंज कराया जाए। और कई नालियाँ तो ऐसी बनाई गई हैं जिसका कोई उपयोग है ही नहीं है, उनको भी जो है सही सम्मत किया जाए। बाकी काम करने को सविता मैडम ने बहुत काम किया है वहाँ, रोड तो फर्स्ट क्लास हो गई है ना, नल भी है, लेकिन जो नल जो आप भी जैसे लोग बोल रहे हैं, ये जो अमृत मिशन वाला जो पानी वाला नल है ये लगना चाहिए जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ वहाँ। जी शुक्रिया दीवान जी, तीन समस्याएं उन्होंने जो बताई है, तो नालियों की, दूसरा जल भराव की। माया मंदिर वाले महाराज जी आप भी अपनी समस्या बताइए फिर। नहीं, एक बार दीवान जी का जवाब दे देते जल्दी से, फिर मैं महाराज जी को बोला देता हूँ। दीवान जी ने तीन समस्याएं जो बताई है, जल भराव की समस्या, नाली की समस्या। जल भराव से तो हम लोग वास्तव में बहुत पीड़ित है, क्योंकि मैं बताइए मेरे वार्ड में महामाया मंदिर वार्ड में 9 बड़ा नाला है, एक भाटा गांव नाला, दूसरा सर्वोदय विद्यालय वाला नाला, तीसरा पारा नाला, चौथा भैया तालाब का नाला, पांचवा परशुराम नगर नाला, छठवा महाराज बंद वाला नाला, और सातवा मठ पारा से आने वाला नाला, और आठवा है हमारा गणपत सिंधी स्कूल वाला नाला। तो 9-10 ऐसे बड़े नाले हैं जिसके कारण ना शहर का 20% पानी इधर सिविल लाइन से होके पुलिस लाइन और चांदनी चौक, हाँ, तो वो सबके कारण वही तो हम लोग ना नाला को पक्का बनाकर, और फिल्टर प्लांट का भी पानी अभी वर्तमान में तो आपका अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बना उसका भी पानी आपके तरफ जोड़ दिया गया, आपको तो बहुत तकलीफ है और आपको क्या, हमको भी बहुत बुरा लगता है।
उसके लिए समाधान के लिए हम लोग 1,48,00,000 का प्रपोजल बना के भेजे हैं, ताकि उसमें वो काम होगा तो निश्चित रूप से भाटा गांव का जो मेन रोड का जो नाला है वो ड्राई रहता है, उसमें पानी आना चालू हो जाएगा और जो डाइवर्सन नाला है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रपोजल शासन को चले गया है, उसका प्रपोजल शासन को चले गया है, मेरे ख्याल से उनकी केवल स्वीकृति होगी और कार्य चालू होने की स्थिति में है, ये ऐसा मेरे को अधिकारी और नगरीय प्रशासन मंत्री के यहाँ से जानकारी मिली है और बाकी मैं आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी। हाँ, उसी के कारण है। और मैं चाह रही हूँ कि कवर्ड नाला बने, नाला जो है उसमें कवर हो जाए और बीच बीच में जाली लग जाए ताकि कचरा ना जाए और उससे मच्छर से कम हम लोग बच सके, इसका प्रपोजल हम लोग दिए हैं। जी जी, वो प्रस्ताव गया बता रहे हैं दीवान जी। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी 1,00,00,000 का जो गया है, एक इसका अभी सुलभ शौचालय से दंतेश्वरी चौक वाला नाले का, तो वो राशन दुकान के पास जाके सकरा हो गया है, तो उसको भी हम लोग बढ़ाकर उस नाला को बढ़ाकर कलवाड नाला में उसको जोड़ने की पूरी प्रक्रिया में अधिकारियों से आज ही के दिन पिछले सैटरडे को हम लोग दौरा किया और उसका प्रपोजल बनाए हैं। मैं राजू तिवारी, मैं सबसे पहले हरिभूमि प्रेस वाले लोगों को बधाई देता हूँ कि ऐसा कदम उठाए हैं कि जनता के लिए समस्या का समाधान के लिए आप लोग जो तत्पर है उसके बधाई के पात्र हो। दूसरी, हमारे वार्ड जो समस्या है वो सिर्फ नाला है और नाला समस्या जो है काश्मीर समस्या से बड़ा समस्या है। मैं 2011 से वहाँ बसा हूँ और नाला जो है शहर का वो आउटर था पहले, हम लोग वहाँ बस गए, हमको जानकारी थी नहीं। अब मान लो हम लोग बस गए, सबका नक्शा पास है, नीति रंग करवा लिए है, तो शासन को चाहिए कि नाला को आउटर में ले जाए। हमारे मोहल्ले से निकले हैं 10 फीट का नाला है, आगे जाकर हो गया 3 फीट, इसलिए पानी भर जाता है। और महाराजगंज तालाब से सुमेरु मठ तक जो उसकी जो समतल है जमीन की, वो तालाब से 20 फीट है नीचे, ऐसा है नीचे, तो पानी तो भरेगा। मेन समस्या है नाला का, नाला का सर्वे होना चाहिए और पार्षद महोदय को साथ में लेकर, जनता को भी साथ लेकर, शासन को चाहिए उसका सर्वे हो और उस पर तत्काल काम होना चाहिए। हम लोग 11 साल से त्रस्त हैं। इतना अगर मैं आपको स्थान ग्रहण करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद। जी सर, जाइए। श्री प्रपन्ना तेरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगदोखिलस प्रसिद्ध विश्वेश्वरिपाहि विश्वम त्वमस्वरी देवी चराचरस्य यस्या प्रभाव मधुरम भगवान नन्तु ब्रह्मारसमलं बलं च साचण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नासाय तासुभिमतीं करोतु श्रीराजराजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। अर्धधारी जम्बा माता की जय। तेरा तेरा ते मैं तो प्रारंभिक स्तर में ही बता दी थी कि मेरे वार्ड में जल भराव सबसे ज्यादा होता है। छोटे छोटे नालियां भी जो बनी है उसका कोई पानी बहने का स्थान सुनिश्चित नहीं है, तो ये सब इंजीनियर और सब अधिकारियों की गलती के कारण सब हो रहा है। इसमें अपन लोग पैसा लाते हैं, विकास करवाते हैं, उसके बाद कार्य करवाने की पूरी जिम्मेदारी तो अधिकारी और कर्मचारियों की होती है, तो इसमें वो लोग अपनी इच्छा शक्ति रख के काम नहीं करते, जिसके कारण ये सब समस्या हमारे आम जनता को, आम लोगों को, हमारे वरिष्ठों को, सबको होता है। दूसरी बात, महाराज बन तालाब, निश्चित रूप से दीदी ने जिक्र किया, हमारे पूरे मोहल्लेवासी वार्डवासी जिक्र किए, इसमें इतना पैसा आता है विकास कार्य के लिए, पर पानी देखो बहुत गंदा। और दूसरी बात, एक लाइटिंग की भी व्यवस्था के बारे में आपको बताए, तो आखिर ये क्या है? ये पैसा आता है आखिर जाता कहाँ है? केवल एसटीपी जब बनेगा तब बनेगा, अभी तो वर्तमान में हमको कीटाणु युक्त पानी लाना है,
दूसरी बात इधर कैलाशपुरी है, कैलाशपुरी को क्रॉस करता है तो कैलाशपुरी का जो बाउंड्री है ये बड़े तालाब की सफाई का जो ठेका लेता है, ठेका लेने वाला अपना कचरा निकाल के रख देता है और उनका निष्पादन पूरा नगर निगम जोन करता है, तो भी आखिर उस ठेकेदार का भुगतान किस लिए होता है ये भी आप शासन से जरूर पूछिए, नगर निगम से पूछिए कि जिस ठेकेदार की पूरी जिम्मेदारी उठाने की है वो बस अपना कचरा को निकाले छोड़ दिए, और जो उनका गाड़ी आता है जो हमारे वार्ड के छोटी छोटी समस्या छोटे छोटे ये के लिए आता है उसमें उसको उठा के ले जाया जाता है, तो आखिर ये बड़े ठेकेदार जो लेते हैं तो इनका पैसा का भुगतान पे रोक जरूर लगनी चाहिए। साल में दो बार ठेका होता है कुंभी निकालने के लिए और उसमें लिखा पड़ी होता है कि कुंभी निकाल के ट्रक में डाल के उसको दूर में जाके जलाना है, परंतु कुंभी वहाँ का वहाँ रहता है। मैं पार्षदा महोदय से ये निवेदन करूँगी कि वो इस जो उनका जो टेंडर होता है उसमें पारदर्शिता होना चाहिए, और टेंडर जब होता है तब आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए और किसको टेंडर मिला ये भी हम लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। इसका टेंडर तो निगम हेड ऑफिस से होता है, बड़े तालाब नाले निगम से होता है ये मेरे मालूम है, तो परंतु हम लोग को भी जानकारी में होना चाहिए कि टेंडर लेने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, ठेकेदार कौन है, क्योंकि वो आधा अधूरा निकालता है और पार्षद भी हमेशा नहीं देख सकती है वहाँ। हम लोग का भी एक दायित्व बनता है कि हम लोग भी उसको देखें, और मैं नागरिकों से और जनता से मैं निवेदन करूंगी मेरे वार्ड के कि इस प्रकार के कार्यों में अपन विरोध करें और उस कार्य को अच्छे सुचारू रूप से करने के लिए अपन करें। विरोध इसलिए ना करें कि विकास कार्य ना हो, हम विरोध इसलिए करें कि वो काम को वो अच्छे ढंग से करें। बिल्कुल होना चाहिए, जब तक विरोध नहीं होगा उसकी पारदर्शी पता नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग भी चाहते हैं। और बड़े ठेकेदारों को जब मिलता है तालाब का ठेका उसके लिए 15 बार हम लोग कंप्लेन करते हैं तब जाके कहीं कचरा उड़ता है, तो हम लगे रहते हैं उसका कंप्लेन करने, ऐसा नहीं है कि कंप्लेन नहीं करते, पर नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। नगर निगम की व्यवस्थाएँ स्पष्ट होनी चाहिए, जो ठेकेदार उसको लिया है उसका निष्पादन वो स्वयं ही करे और वो भी 2 दिन के अंतर्गत करे, क्योंकि कचरे को तो निकाल के ना बाहर रखना और उससे संक्रामक बीमारी फैलने का पूर्णतः संभावना रहता है, इसलिए ऐसे कार्यों को तो तत्काल निराकृत करें। आपका सवाल रह गया था जी। मेरा प्रश्न ये है कि सफाई जी, सफाई के मामले में वार्ड में जो है टीम जो भी आती है वो कभी एक गली छोड़ दी, कभी 2 गली छोड़ देते हैं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूसरा, कचरा निकालता है तो 3 दिन से रखा हुआ है, अभी हमारे वार्ड में जाइए देखिए पड़ा हुआ है कचरा जो है, सफाई के मामले में पीछे है। मैं तो कहता हूँ शासन को चाहिए कि उसमें ध्यान दे, पार्षद तो ध्यान देती है लेकिन शासन के जो लोग बैठे हैं जोन में जो बैठे हैं उनको चाहिए कि वहाँ पर दौरा करना चाहिए, हफ्ते में सफाई एक बार आए लेकिन ढंग से सफाई होना चाहिए, वो होता नहीं है। सफाई मुद्दा वही है, सफाई जो है जी हम तो बोले हैं पार्षद मतलब मैं खुद बोला हूँ हफ्ते में एक बार आए लेकिन फिर सफाई होनी चाहिए, तो होती नहीं है बहुत सफाई, होना चाहिए। पूछ लेते जवाब लेते हैं, ठेकेदार की भी गलती है मैं मानता हूँ, उसको भी चाहिए कि वहाँ दौरा करे और उसके बाद पार्षद महोदय भी आए कि सफाई हुआ कि नहीं हुआ है, उनके भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हफ्ते में एक बार हो लेकिन सफाई अच्छे से होना चाहिए। सरिता जी, सफाई व्यवस्था को लेकर उनका सवाल। सफाई व्यवस्था तो मूल है, उसके कारण तो बीमारी भी फैलती है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती है, परंतु मेरा वार्ड वास्तव में बहुत बड़ा है, मैं आपको पहले भी अवगत करा चुकी हूँ, सफाई कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सफाई कर्मचारियों को नहीं बढ़ाएंगे, हमारे क्षेत्र में लगभग छोटे बड़े मिला के 10 से 12 मोहल्ले हैं, अब 10 से 12 मोहल्ले में 35 को आप डिवाइड कर दीजिए तो उसमें निदान आ जाता है। हम तो बोलते हैं हर जागरूक नागरिक ना निदान में अपना लगाए, ताकि मेरे को और आपको ना सफाई व्यवस्था देखने की आवश्यकता ही ना हो। निदान में नल, जिसका नल नहीं चलता तत्काल नल आके कर्मचारी नल सुधारते हैं, सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, 3 चीज के लिए नगर निगम ने निदान की व्यवस्था की है 1100। सरिता जी, तो 1100 में आप समस्या को अवगत कराइए, निश्चित रूप से उस समस्या का निदान होगा। सरिता जी, ऐसा कोई आपने क्या कोई माध्यम बनाया कि आपके अगर वार्ड के लोगों को कोई शिकायत करनी है, वार्ड से संबंधित कोई समस्या बतानी है तो वो कैसे बताएं आपको? सफाई के लिए स्वर्णजीत साहू जी है, वो पूरा देखते हैं। नहीं, हमने जो पहले हम कई वार्डों में गए हैं तो वहाँ पे पार्षदों के द्वारा एक पहल की गई है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है,
उसमें जो वार्ड के तमाम वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ा गया है, सभी प्रमुख लोगों को, ताकि अगर कोई शिकायत आती है तो उसमें तुरंत उठाले और पार्षद उसमें संज्ञान ले। क्या ऐसा कोई प्रयास आपके द्वारा किया गया है? अब मेरा सुपरवाइजर, हाँ, ग्रुप तो बना है, महामाया मंदिर वार्ड 65 का ग्रुप बना है जिसमें हम उस समस्याओं को लेते हैं और जो गंभीर है उसको तत्काल निराकृत करते हैं। उसके अतिरिक्त तो मैं भी बहुत सक्रिय हूँ। मैं हर 2-3 दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोहल्ले में जाके सफाई व्यवस्था को देखती हूँ। अभी मेरी स्वास्थ्य 15 दिन से खराब है, उसके कारण मैं बिल्कुल नहीं निकल पा रही हूँ, तो ये अव्यवस्थाएँ हो रही है, इसको भी अपन सुधारेंगे। और जो भी समस्या आम जनता से आ रही है निश्चित रूप से उसका निराकरण करने का पूरा ये कहना ये है कि जो नागरिक हैं वो अगर उन्होंने अगर आपको अपना जनप्रतिनिधि चुना है तो एक विश्वास होता है उनके आपके ऊपर कि अगर हम जो हमारी हैं अगर सरिता जी को उन्होंने चुना है कि ये हमारी सक्षम है हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आपकी भी मतलब विश्वास को कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि उस विश्वास को आप कायम रखें उनका। बिल्कुल कायम रख रही हूँ। हमारे प्रतिनिधि के रूप में ममता भी है, मीना अग्रवाल दीदी है, और मैं तो आम जनता से ही मिलती हूँ, तो आम जनता की समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास आ जाती है, और जो भी समस्या है वो बहुत दिन तक हल नहीं होता तो निश्चित रूप से मेरे पास आता है और मैं उसको फिर पूरी तत्परता से निराकरण करती हूँ। अब ये है, मैं तो आपको बताई ना, नाला बना दिए, उसका ढाल, उसका पानी जाने का कोई सुनिश्चित स्थान नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कर पाएंगे? इसको तो शासन को और जो बनाया इंजीनियर अधिकारी, मेरे पहले भी पार्षद थे, मेरे उसके पहले मैं पार्षद थी, तो एक अस्थायी जो नाली नाला का निर्माण होता है उसी को आज स्थायी नाला के रूप में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को बताने के बाद भी आज नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी उसको गौर नहीं करते, उनको बल्कि आम जनता की समस्या का निराकरण हम कैसे करें, इनका पानी कैसे जाए बहे, इनका पूर्णतः उनको ज्ञान भी होना चाहिए निर्माण कार्य। चलिए तो ये मान लेते हैं, हम अपने माध्यम से ये बताएंगे कि कम से कम निगम प्रशासन से जो आपको सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है, ये आपकी बातों से हम मान भी लेते हैं। जी जी, ठीक है। और मैं हमारे विधायक महोदय को जो 2 करोड़ का हमको डामरीकरण का सौगात दिए, इसके लिए माननीय ब्रिज मोहन भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, उनका आभारी हूँ। 70 के 70 वार्ड में लगा रही से विश्वास के तौर पे ओला लेबर की मालो जाए पार्षद मन काम करत है धन नहीं तहमन ओकर से उठ के मोर सरकार मोर द्वार में बड़े बड़े प्रस्ताव बड़े बड़े समस्या पूरा दे रहे हैं। अब वो समस्या ला हमार मेयर साहब यहाँ से अतका दिन में ऐसे हो जाही दुनिया भर के हमारे बताइस है ना। अब वो ओकर बाद मोर सरकार मोर द्वार से आज 2-3 महीना हो गए जहाँ के जहाँ धरे रह गए। अब ये हरी भूमि वाले सेकेंड यह आए बे, अब हमन का विश्वास करन बता के ऊपर तक के प्रशासन से ये होवा धन नहीं। एती सरिता वर्मा ला सब तरफ से घेरो एती जितेंद्र से करत अपन नाली पानी लेती कचरा लेती काला उठावा तो काला धरे तो भैया महापौर अगर नहीं किए तो वो भी हमारा काम क्या है, आप लोगों का माध्यम बनना हमारा काम क्या है आपको बता रहा हूँ आदरणीय आप बैठे, हमारा काम ये है, हम एक माध्यम है। आप सुबह अखबार पढ़ते हो, एक बार आप अखबार पढ़ते हो वैसे ही जब प्रशासनिक अधिकारी अखबार पढ़ता है उसके संज्ञान में आता है कि यहाँ पे ये समस्या है, लोग परेशान हैं। यही तो हमारा उद्देश्य है कि उनके संज्ञान में लाना। अगर उनके संज्ञान में लाना, आपने महापौर जी को दिया होगा तो उसकी पावती होगी, आप महापौर के पास जाइए, महापौर व्हाइट हाउस में बैठते हैं, उनसे बोलिए एक बार इसमें कोई काम जोन में नहीं होता, वार्ड में एक भी काम नहीं हो पाता है, जब तक आप उसमें दौड़ेंगे नहीं तब तक कार्य नहीं हो पाता है। तो मैं वार्ड वाले महिलाओं को लेके गई थी सर, ये तो वो काम तो रुका था ना, वो काम रुक गया था ना। मैं बोली भैया आप कैसे खोद रहे हो, ये खोद रहे हो, वो काम रुका था, क्या है यहाँ पर बिना नक्शा बिना इसके मकाने बन गई है, नालियाँ बिना इंजीनियर के पास हो गई है, सड़कें वैसी बन गई है, तो जनता रहते हैं हम लोग उसकी समस्या बहुत मुश्किल है कि ये स्मार्ट सिटी वाले जो अभी नया प्रोजेक्ट है वो उसमें नहीं जुड़ेगा और अचानक से वो जोड़ रहे थे, तो मैं बोली भैया आप कैसे जोड़ रहे हो, यहाँ का तो नहीं जुड़ने वाला था। तो जेसीबी वाले मेरे को बोलता है निगम से आदेश है, मैं बोली यहाँ की हमारी पार्षद की जानकारी में नहीं है, पार्षद को पता नहीं है आप रोड खोदने लग गए हो, तो बोलता है कि निगम से आदेश है। फिर मैं बोली अधिकारी से बात कराओ, तो अधिकारी मेरे को क्या बोलता है, मैं आम जनता हूँ, वो अधिकारी मेरे को बोलता है कि क्यों मैडम आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो, हम पुलिस प्रशासन ला के
आपके सामने खुदवा देंगे। मैं बोली लाओ पुलिस प्रशासन, जिसको लाना है लाओ, हम अपने हक के लिए, पूरा मोहल्ला डूबता है, चार चार कॉलोनी डूब रहे। उसी बात को वो भैया भी बोले, उसी बात को वो भैया, ये चार चार कॉलोनी की समस्या है सर, और आज की नहीं है, बहुत दिनों से है ये समस्या। 15 साल हो गया ये समस्या है। तो मेरे को जमीन कोई बेच के चला गया, रोड रास्ता रहा नहीं, उसकी समस्या अब हम जनता भोगे। एक तरीका बता रहा हूं मैं, एक तरीका बता रहा हूं सरिता जी, जो उन्होंने एक बात रखी है कि यहां पे सीधा निगम प्रशासन से आदेश आता है, आपके संज्ञान में भी नहीं रहता। तो एक जो ब्रोशर है इनका, सरिता जी, एक जो ब्रोशर है निगम का, जो अधिकारियों का, वो एक ब्रोशर कम से कम यहाँ पे इनमें वितरित कर दे कि किस सक्षम अधिकारी, जैसे मान लो अगर स्वास्थ्य विभाग के, तो स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी कौन हैं, अगर मान लो जल मिशन का है तो उसके प्रभारी कौन हैं, और जो अगर कमिश्नर के इस तरह कार्य है तो वो कौन है। तो ये क्या है, एक शिकायत के लिए इनको एक माध्यम मिल जाएगा कि अगर जो है आपको सक्षम अधिकारी वो काम नहीं कर रहे हैं तो एक वो मिल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत सारा चीज़ें जो है आपके क्षेत्र से भी आसान हो जाएगी। शासन का और नगर निगम का 1100 है निदान नंबर, जिसमें हर प्रकार का समस्या का निदान होता है। तो एक सक्षम अधिकारी बात कर रहे हैं कि मान लो जो है अगर वो अधिकारी कोई बहस कर रहे हैं उनसे तो सीधे शिकायत। 1100 में सिर्फ नाली, सफाई और पानी और बिजली, यही है, बाकी जो रोड रास्ता है उसके नहीं होती निदान 1100 में। इसलिए मैं बोला कि एक जो ब्रोशर है निगम का वो इनको उपलब्ध करा दें, उसमें जो डिक्शनरी वर्ड डायरेक्टरी है, नंबर सबके पास रहे, आम नागरिक के पास रहे, ताकि वो संबंधित अधिकारी को शिकायत कर सके। दीवान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मोहबिया जी बहुत अच्छा सलाह दी है कि भाई जैसे 3 सेक्टर हैं, सेक्टर 1, 2, 3 प्रोफेसर कॉलोनी के इनके, तो उनके एक एक ठो जो है व्हाट्सएप ग्रुप ये बना दे छोटा छोटा, तो छोटी मोटी समस्या है तो इनके पास आ जाएगी, बड़ी समस्या बाद में फॉरवर्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, यह बढ़िया सुझाव है। तो मैं आप लोगों को सबको बता दूँ कि हमारी एक परंपरा भी है कि यहाँ पे जो वार्ड के आपको प्रमुख लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कोई अच्छा काम किया है उनको हम लोग सम्मानित करते हैं इस मंच के माध्यम से। पंडित जी को हमने सम्मानित किया था वैसे ही उनका जल, तो मैं बुलाना चाहूँगा बी के पूर्णिमा जी को, संचालिका है साधना भवन की। बी के पूर्णिमा जी, आप लोग दोनों सामने आ जाए माइक में। आप लोग रुकिए ना, राकेश दीवान जी सेवानिवृत्त हैं, साथ में प्रोफेसर कॉलोनी और बसाने में और इनके पर्यावरण के रखरखाव में दीवान जी ने काफ़ी काम किया है। नहीं ठीक है, एक सूत्रधार भी तो होना चाहिए। क्यों कोमल वर्मा जी, आप लोगों को सुबह सुबह खबरों से बाखबर कराते हैं हमारे प्रतिनिधि के तौर पे। ठीक है, तो ये एक हमारा प्रयास था आप सभी लोगों के बीच में आके कि हम लोग आप लोगों को, मतलब खास तौर पे वार्ड के बीच में कोई इस तरह से कोई माध्यम जाता नहीं है, कोई चैनल या कोई अखबार जो है वो इस तरह से रोज आते नहीं है, और कई समस्याएं जो हैं वो अनसुनी रह जाती है। तो हमारा एक प्रयास है कि मेरा वार्ड मेरी बात के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में जाए, आप लोगों को एक मंच दें और एक माध्यम दें, तीनों माध्यम से, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से। मैंने जैसे कि बताया कि एक माध्यम हम बनते हैं, आप लोगों की आवाज़ को जनप्रतिनिधि से जितना जवाब मिल सकता है, जितना निराकरण, लेकिन कई जगह हमने देखा कि जो इनके स्तर में भी निराकरण नहीं हो पाती समस्याएं, तो हमारा प्रयास ये होता है कि अपने समाचार पत्र के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रशासन में बैठे उन लोगों तक आप लोगों की समस्याओं को पहुँचाएँ जहाँ पर उनका निराकरण संभव हो। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सभी का एक बार पुनः आभार, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे शुभम की बाट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, RGL राधा मार्केटिंग,